पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो, यो नः प्रचोदयात् नमस्ते साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लो के जा। भाई लोग के अभिवादन करते वेद की शिक्षा है जो वेद पर आधारित कार्यक्रम है और आजकल जुनबा बा कार्यक्रम के एगो नियम हो गल बाकी दर्शक लोग जुनबा पत्र विदा या फोन करे लन जा और जो चीज समझ में ना वो लोग हमी से पूछे लन जा और हम जुनबा जो अज्ञान है जा ज्ञानी व्यक्ति लोग से पूछी राजा आचार्य गण जी से और आज हमने के साथ आर्य रविवेद प्रचार से आचार्य सुनील जालवान उनका अभिवादन कर आचार्य जी अभिवादन हाँ, नमस्ते भाई धर्म जी और नमस्ते सब दर्शक के आचार्य जी गल बार जब बार बड़ी खुशी के साथ दर्शक तोरा खुशी रह और तोहार इंतजार करेलन जा कि कब और अपन बहुमूल्य विचार बांटब बा। गल बार हम बात करथली जा छोटा छोटा सवाल पर जो दर्शक लोग हमने से पूछते रहल आज भी कार्यक्रम के जारी रखब जा और सबसे पहला सवाल जो गल बार छूट गए समिधा के अर्थ कहा हर बार हमने बात करते जा यज्ञ पर हवन पर और बात कर ली जा कि चला समिधा डाले के और देव कृप्षत के सामग्री जो है हाँ वो भी संविधा अर्थ का समिधा एगो आ, विशेष रूप से एक ऐसा शब्द है जो यज्ञ में एक प्रयोग कर मतलब कि जो लकड़ी यज्ञ में प्रयोग करल जला, और उकरा आधान करब हवन कुंड में त जब तब यज्ञ में प्रयोग करब हवे लकड़ी के लकड़ी नहीं बोल के काष्ट नहीं बोल के ओकर संज्ञा ओकर नाम समिधा पड़ेला तो समिधा कौन चीह तिधा तो सम्यक्तया इध्धते सा समिधा अर्थात जौन में अग्नि प्रवेश कर सकी और ई प्रकार से प्रवेश करी कि अग्निवकुण में प्रज्वलित रही, मतलब कि भूति नहीं बुझाई नहीं मतलब कि नहीं सकबा बुझाई और उकरे में घी दलबा और उही आधार है अग्नि के, अर्थात अग्नि के आधार समिधा ही है। अच्छा कोई को ये इससे पहले ही सवाल पूछे रंजा कि समिधा के तौर पर कौन लकड़ी के प्रयोग चला करे के कोई बोला आम के लकड़ी कपूर के लकड़ी या चंदन के लकड़ी हाँ तो बहुत आ, अच्छा सवाल हम था कि सवाल बा पूछब हमार से कि जब हम बोलते हैं लकड़ी त जौन शुष्क मतलब कि एकदम सूखा गल बा एगो गाछी के काट के हमने हमनिक के अधिकार नहीं है पहला गाछी के काटे के दूसर हा कि कौन ऐसन वृक्ष के हमने के चाहना प्रयोग करे के जोन उस संविधान में विधान हर हा। एगो लकड़ी के संविधान नहीं बनैला सन बल्कि शास्त्र में जोन विधान देले बा बहुत सारे ऐसा वृक्ष है ज समिधा के प्रयोग यज्ञ में होला जैसे कि आम एगो वृक्ष है तो आम के वृक्ष के जो टहनी है या जो जो कटब जितना हिस्सा कटब उतना ही हिस्सा काटि जे, जे वृक्षवा नहीं मरी और आम के वृक्ष के जो समिधा है वो लकड़ी जोन ह उत्तम हा यज के लिए काहे कुंच बाकर में ओकर में ऐसा ने गो तैलिया तत्व हा मतलब कि ये गोलागेजिन हा कि जब वो जरेला ता बहुत सारे रोग के भी उन्नत करेला और ओकर में ऐसा ने गो तत्व हा कि वो अग्निवा के हाली से बुझे नहीं देवेला मतलब कि ओकर में अग्नि के धारण करे के और अग्नि के ओकरा स्थिर करे के ओकर में शक्ति हे खातिर समिधा उ यज्ञ में भी प्रयोग होला और एगो अंतिम संस्कार में भी प्रयोग होला या कोनो संस्कार में भी सगवा आम के वृक्ष प्रयोग करे और छटके छटकेला नहीं कबू नहीं देख कि कोई आम के समिधा जलेब तोहर में छटक के चिंगारी तोहर में आई और दूसरा जो समिधा सबसे उत्तम समिधा और ओकर में जो सुगंधित तत्व मतलब कि सुगंध का रखा, उ विशेष रूप से चंदन के अर्थात वृक्ष में यदि देखब सन या समिधा में सबसे उत्तम सबसे उत्तम चंदन और हम चंदन, में चंदन में कितना के के जंगल में हमिक जितना अभी चंदन के वृक्ष प्रयोग होता मतलब की समिधा प्रयोग होता तो ओकरे वृक्ष काट काट के जंगल में बहुत वृक्ष और पहले से अब जो कोई जानी चंदन का ह तो वही से की चयन करे कोई नहीं जानी तो नहीं जानी कौन चीज के लकड़ी तो इस स्थिति में चंदन जितना पुराना होला ग जितना बड़ा ओकर जोन सुगंधी तत्व ह जौन वृक्ष के जो टहनी में बढ़ेला और बढ़े चंदन के काट लेला तो फिर से पनप जाई समय चंदन के जो पेड़ बाबू ठंडक भी देवेला हाँ, कि भारत में सुन ला जाकि नीचे ढेर मना सांप रहे ला। हाँ ओकर में वो ठंडकता है वो शीतलता है और उस शीतलता के कारण से ही ओकर में ऑक्सीजन भी है बहुत जो प्राण वायु है ओकर से प्राण वायु भी निकलेला मतलब कि ऑक्सीजन और ओकर में शीतलता है और ख़ास करके वो जड़ी के आसपास भी हौशीतलता वाह इस स्थिति में सा, साधारण सांप हो ही, या आ, या विशेष रूप से बड़ा साँप हो आसपास में रहला और ओकर जो चंदन के जितना पुराना रही उतना उस सुगंध कारक हो जाए और जो हमने टीका दाला सन चंदन के टीका बोला सन तो चाला पत्थर में घिसे के, के और जितना घिसला और उतना माथा में दल ल माथा भी ठंडा रहा मतलब कि तुहर तो मा, माथा के शीतलता और एक प्रकार से औषधि तोहर मान्य जाए कि बहुत तोहर सिर में द, दर्द बा स्ट्रेस भी स्ट्रेस बा तऊ चंदन के जो लेपन करके जब दल तोहर दिमाग इतना शीतलता से युक्त हो जाए कि तोहर जितना भी चिड़चिड़ापन ह तो चंदन से दूर हो जला इ खातिर स्थिति घिस घिस के ओकरा पहले के समय में हजमाथा में लगावत कि माथा हमेशा ठंडा रही और खास करके भारत में जो धार्मिक वर्ग वो अनुलेपन कर चंदन अन, मतलब कि अपन मस्तिष्क में और एगो मान लीजिए सौंदर्य के भी एगो पदार्थ अर्थात चंदन और हल्दी के जब ओकर मिश्रण होला आप में एगो अनुलेपन हो जाला मतलब कि एगो एगो क्रीम लिखन कि पूरा शरीर में दलबत त तोहर त्वचा में कबो रोग नहीं आई और तोहर त्वचा हमेशा सुंदर रही रोग रहित रही जवान रही हाँ अच्छा देख जा कि जो समिधा है जोन लकड़ी महत्व है अभी आम के बारे में बोला चंदन के बारे में बोला फिर कोई भी कपूर के बारे में बचा कपूर के लकड़ी भी और विशेष रूप से हमने अन्य आर समिधा बा जो उनकी लकड़ी के हमने प्रयोग करी लासन मदार के में दूध हव जो दूध होला दूध निकले होला जोन समिधा हम प्रयोग में लाई ला सन और गुरुकुल में जब रही सब हमने मानी जाए कि एगो पीपल के वृक्ष गिर गल बा तो उकरा काट के रखस सन और बड़ के भी वृक्ष यदि कटा गल बा तो ओकरा हिस्सा करके ओकरा समिधा में प्रयोग करे लन तो स्थिति में और बहुत सारे समिधा हम लेकिन मुख्य रूप से आ, प्रयोग जहाँ ले बन पड़ी okay. आम के कपूर के भी प्रयोग करब से जब कपूर एकदम पुराना हो जाला वो भी थोड़ा छिटकेला मतलब कि ओकर से चिंगारी निकलेला इस स्थिति में जब भी कोनो से चिंगारी निकली देखा थोड़ा ज्यादा चिंगारी निकलता तोहर सामग्री में चाहे ना चीनी मिला दे के लाली लाल चीनी वाह चिंगारीवा हसी सूखी समिधा दल लिटके छिटके के जस्ती संभावना है जब सामग्री डाल वाह में घी और लाल चीनी मिला दिल लाल चीनी चीजवा के दबा देवे त स्थिति धेर कोई नहीं जान ला स्थिति में घी मिला दे के चाहला सामग्री में और ओकर लाल चीनी और अन्य पदार्थ मिला देवा, उच जे ओकर से चिंगारी भी निकली तिंगारिवा के दबा दे हौ घी मिश्रित जो न चीनी ह लाल चीनी अच्छा आचार्य जी ये बतावा कि यज्ञ में जो है समिधा के कौन महत्व है कहे चाइना समिधा देख जब यज्ञ प्रारंभ करब के स्थापन करा जाला। और अग्नि के जब स्थापन कर ओकर में छोटी छोटी जो समिधा बहुत ओकरा टुकड़ा टुकड़ा करके कपूर के साथ डाली त जैसे दल ला ती हौजे से मतलब कि अग्नि प्रारम्भ होता अग्नि के स्थिर कैसे करब ओकर से चाहना एगो बड़ा समिधा में प्रवेश कराए के जो छोटी समिधा ह मदद करेला बड़ी समिधा ओकर में अग्नि प्रज्ज्वलित हो और जैसे बड़ी समिधा में अग्नि प्रयोग होला हो मतलब कि तीन गो समिधा डाल दिल और तीन गो समिधा जब दलता समिधा समिधावा में अग्नि चाहला आय के और जबले अग्नि नहीं आई तबले आहुति नहीं सगवा दही तर महत्व है कि जब अग्निहोत्र करत हंसा यज्ञ कर उ समिधावा एगो आधार बन जाला हौ हाँ अग्निवा के प्रज्वलित रखे के तहे उ घी में डुबावल जला पहले हाँ घीवा में जब डुबाई बा वो तो खातिर डूबी आसन कि ओकर में अग्नि आसानी से प्रवेश हो याद करियो कि समिधा भी आग्नेय पदार्थ ओकर में अग्निवा घी भी आग्नेय पदार्थ मतलब कि ओरोो में अग्निवा और एगो प्रज्वलित अग्नि ह जोन की तोहरा एकदम अपन विकराल रूप में बा जागृत रूप में बा अग्नि प्रसुप्त भी रहेला अग्नि के पहला जागृत भी करे के के जागृत करे खातिर घी के बहुत आवश्यक ओकर महत्व तो हाँ डुबो दिला घीवा में ताकि अग्नि ओकर में आसानी से प्रवेश कर सके और अग्नि के ओकरा जागृत रखी जबले अग्नि जागृत नहीं रही तो आहुति भी नहीं सकल जाता जो अग्नि बुध जला में आहुति नहीं 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 द हाँ। अच्छा आचार्य जी जब बोलो जा कि यज्ञ में जो बात चला संविधा डाले के कहे तीन गो दलाल कहे तीन गो से जस्ती चार पाँच छो गो नहीं दलाला कहे खाली तीन गो के अभिप्राय अभिप्राय कहा देखो जो तीन गो समिधा के विधान बा प्रथम जो विधान हा शत्रीय विधान ह मतलब कि शास्त्र के अनुकूल जो पहला समिधा दलब तीन गो ही समिधा तीन गो समिधा के बाद ऐसा नहीं है कि समिधा नहीं दलवा मैं बीच बीच में समिधावा दलें जेबा में जो शुरू के तीन गो समिधा उस शास्त्रीय विधान मतलब कि शास्त्र बोले बा कि तीन गो समिधा डाले के मतलब कि यज्ञ के वो विधान और कहे तीन गो ये वो बहुत अच्छा प्रश्न बा कि तीन गोतिन कि ज्ञान कर्म और उपासना तीन गो ऐसा चीज हा जीवन के कि के जीवन के पूर्ण बनावे तीन गो सम्यधा भी हमने के जीवन के पूर्ण बनावेला ला प्रथम समिधा जब दालीलासन तब तो वो ज्ञान के प्रतीक अर्थात जीवन में हमने के चाहेला ज्ञान अर्जित करते रहे के और जोन दूसर समिधा हा, पुन्य कर्म या श्रेष्ठ कर्म के सूचक और जोन तीसरी समिधा उपासना के प्रतीक यानी या कि बोले खोजत हुआ कि के जीवन के जो लक्ष्य समिधा समान रहे के हाँ अर्थात हमने के जीवन के लक्ष्य समिधा के समान है अर्थात जीवन के लक्ष्य कौन ची जब हमने जन्म लेला सन तब के संस्कार होला ताकि हमने आगे चल करके वो उ ज्ञान संस्कार के रूप में ग्रहण कर अपन, और आगे बढ़प सन के कर्म पुण्य से युक्त रही, मतलब कि श्रेष्ठ कर्म से जुड़ल रही और केवल ज्ञान से ही हमने के काम चलेला ऐसा नहीं है या केवल थोड़ा कर्म कर दिली से हो गल नहीं बल्कि एगो तीसरी जौन शक्ति ओकरा ओकर उपासना के बिना हमने के जीवन पूर्ण नहीं होला अर्थात ईश्वर के जौन उपासना है वो भक्ति हम के जीवन के हिस्सा भी हमने मतलब कि पा लेला सर्थात ज्ञान कर्म और उपासना से ही जीवन पूर्ण बनेला से एगो निकाल द ज्ञान के केता पूर्ण होकर दार्शनिक महत्व हाँ दार्शनिक महत्व है। यह है कि हमनिक विशेष रूप से ज्ञान कर्म और उपासना तीनों के जो है अनुयाई है सा। ज्ञान के भी अनुयायी ओकरा फॉलो कैला सन ना मतलब कि पीछे अला सन और जैसन जैसन ज्ञान हमिक प्राप्त होला अवसे अवसे के जीवन संवरले चल जाला और यदि ज्ञान तोहर लगे नहीं रही तो अवसर कर्म भी नहीं सकबा करे और यदि ज्ञान और कर्म दोनों संगे बा और हमने जब एगो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाला ओकर कर्म बहुत श्रेष्ठ चले चल जाला जला तो एगो अहंकार भी पैदा होला जी त अहंकार अहंकार मनोवृत्ति है उसे ला देखा हमने कि मन के जो वृत्ति बदले लगे अब जो हम सोच सन कि मानिए जाए कि कोई विद्वान बन जला तोचे ला कि लिखन विद्वान कोई नहीं मैं जानता ग्रहण करते कोनो चीज़ तो हर से सीखी ला सन कोनो चीज़ तू तो हनिक से सीखे ला कोनो चीज़ हनिक समाज से सन त सीखे के जो प्रक्रिया ह उ जारी रहेला तो जैसे समिधा जोन एक कुत में नहीं जरेला धीरे धीरे जरेला तो अग्नि जो उद्बुद्ध होते चलेला अर्थात अग्नि के जो प्रकाश सबके मिलेला तो इस स्थितिवा में तीन गो समिधा बताव ताकि के चाहेला समिधा लिखन ज्ञान ग्रहण करे के समिधा लिखन हमने के कर्म चाहना रहेगी के और समिधा लिखन हमने के उपासना चाहना रहेगी अर्थात अर्थात के भक्ति अर्थात जब वो समिधा में अग्नि चल जाला तो जला तबले सम्विधा राख नहीं होला उ जलते रही और स्थिति में देखिला लासन कि बहुत सारे चीज है जीवन के सब कुछ हो के हजे रह जाला में जो क्रियावा कर ला क्रियावा के जौ फल हौन संस्कार समाप्त नहीं हुई अर्थात क्रिया के तो तोहर संस्कार मिलल वही फल के रूप में तोहार आत्मा के सके संगे जाय बस वो अच्छा कार्य हो लेको परोपकार के कार्य करके देख तब परोपकार के जोन संस्कार होहर आत्मा के साथ रही अच्छा अच्छा रे जी हज परी जब यज्ञ कर ली जािधा दिल्ली जाओ समिधा उ जल के राख हो गल उ राख के कौन महत्व रह जाला देखा यज्ञ के जोन राख ओकरा भस्म बोईल सन और कहा जाला कि यज्ञ की जो राख होकर में घी बा अन्य सामग्री बा समझ ल अपन आप में एगो औषधि हो एगो औषधि हो गल और राख के सगबा अपन शरीर में भी अनुलेपन करे ओकर से कोनो एगो शोधन कार्य करे और राख जो है हम भस्म बुल यज्ञ भस्म यज्ञ शेष हो और उ अपन आप में एगो औषधि हो जाला जला तथितिवा में उ भस्म के सगव अपन शरीर में भी प्रयोग करे उकर में दिव्यता त स्थिति में हमन देखी ला सन कि के जीवन भी यजवा के समान हो अंत में राख हो जा जो पूरा शरीर है वो राख हो में कोनो चीज को जो कबो भस्म नहीं होला कर्म वो हर संस्कार और जो चीज़ तू तो कमैल हो तो हर कमाई कर्म के जो कमाई ह तीजवा कबो उ फिनी नहीं हो समाप्त तो नहीं होला बल्कि तुहर तो आत्मा के साथ जो है धरोहर के रूप में तुहर तो आत्मा के साथ रही और उकरी आधार पर त भगवान एगो दूसरा न्याय करेला पर परिवहत हो जो कमैल हवा तो इंसान आज तक ढेर पैसा भी कमावेला और ढेर आशय भी कमवेल बड़का बड़का लुटू पैसा बैंक बैलेंस बड़का बड़का चेक सब कहीं नहीं कर संगे तो देखा ना जो चीज़ जाय के हिज जाह जौन चीज़ सूक्ष्म ह जौन चीज़ संस्कार के रूप में हा उही जाला संस्कार के नियम ह जो चीज़ हैजा से पैदा होलबा जौन चीज़ तू बनैब एगो घर बनैल तई आचार्य जी नहीं जाने। ने, संसार के नियम कि ठोस चीज तो हर आत्मा के साथ नहीं सकी जाई आत्मा जो शरीर जो एगो वरदान हैजा है के जौन चीज़ हैजा के बा वो हौजे रह जाला मान लिया जाए कि हम तो हर घरे जाम कुछ चीज़ खोजब हौजा से तो हर घरवा आने के हम लगे हम घरवात नहीं होला इसे नहीं कोनो तरीका नहीं साइंटिफिक तरीका नहीं जिस सकबजा को खोज कार्य करे जैसे सकबजा जितना भी चीज़ हमली दूसर के दुख दे या सत्ता के या झूठ बोल के हमी सबके दुख देके कमैले है जा। उके लेके कोनो तरीका नहीं कबो कबो कोनो एक नहीं है और यही खातिर ईदन नमम शब्द गढ़ गढ़ चर्चा कर ली स कि जोन कुछ धरती पर है ये हमारे नहीं हगवान के हा। और बोली लासन कि कुछ ले जेबो नहीं करें और जब जितना चीज़ हाँ हमने के पहला त्याग करे के स्वाहा के मतलब ही त्याग ह्याग बहुत बड़ा दुख के बात है कि इतना हाँ। कमाई ली जा इतना संयंत्र ली जा लेकिन अंत में कुछ नहीं जाला। जितना धन दौलत ठोस रूप में हा, देखा ह देख धन ह जब हमने वो यज्ञ के इलासन समिधा के प्रयोग कर ले तो समिधा हमन के लिए हालांकि भौतिक ह लेकिन जब क्रिया में दायरासन सन आध्यात्मिक संपत्ति बन जाला, तो आध्यात्मिक संपत्ति के मतलब डिवाइन वेल्थ एगो वेल्थ मटेरियल तो मटेरियल कितना कमावा अच्छा हा, तो हर सुख सुविधा के लिए जबले जीवित हव हर सुख सुविधा के लिए रही और अच्छा हर भौतिक धन केवल हये कमाते रह और आध्यात्मिक धन के वालों जेगो रही ओकर खाता में जेगो बा हायजा बहुत बढ़ा दिल तये दुख के कारण हो जाला बस कि जब तोरा आगे बा बढ़े के मुक्ति की ओर और बढ़े के और अध्यात्म आनंद के बा प्राप्त करे के तब बोल सक भौतिक आनंद प्राप्त कैली स भौतिक सुख प्राप्त कैली स आध्यात्मिक जो आनंद है ओकर से वंचित है फिर भी हम मन नहीं आचार्य जी देखिए जितना भी वेद बा तनी खोज के देखिए कोनो भी तरीका हो कहीं पर ही जिस कब जाओ शब्द जाये बहुत अच्छा रहत और अंत में कार्यक्रम के अंत तक चला जाए तो से खाली दूगो अंतिम सवाल पूछब कि जब यज्ञ खत्म हो जला दक्षिणा दई राजा दक्षिणा कुंज और दक्षिणा और दान में कौन अंतर है देखिए दक्षिणा जब मानी जाए कि वो कार्य समाप्त होता जब कार्य समाप्त होला समाप्ति होला दक्षिणा से मतलब कि शांति पाठ तो कर दे सन में संपूर्ण यज्ञ की समाप्ति जो न दक्षिणा से और दक्षिणा जो हंज हक्षिणा यज्ञ से पत्नी अर्थात यज्ञ जोन करत है जान आप में ईश्वर के स्वरूप है विष्णु स्वरूप है यज्ञो भाई विष्णु अर्थात यज्ञ जोन है विष्णु अर्थात परमात्मा के प्रतीक है और परमात्मा अर्थात विष्णु के पत्नी के है लक्ष्मी अर्थात यज्ञ के जो पत्नी है यज्ञ से पत्नी दक्षिणा अर्थात यज्ञ के पत्नी के दक्षिणा तब दक्षिणा उ यज्ञ में आवेला तमल यज्ञ के संपूर्णता पोकर में है और बिना दक्षिणा के जो यज्ञ हूँ फलदायी नहीं होला अर्थात पूर्ण नहीं होला इस स्थिति में दक्षिणा जो है ही यज्व के पूर्ण करेला और यज्व के फलदायी बनावेला और दान के अर्थ और यज्ञ दक्षिणा और दान में अंतर है कि दक्षिणा जब एगो पुरोहित के बलैल ऋत्विक के बल उ तुहर तो कार्य पूरा करता तो स्थिति में जब यज्ञ पूरा हो जाए, तब ओकर जोन हिस्सा देबा द्रव्य के रूप में को रूप में तो दक्षिणा हो जाए दक्षिणा द्रव्य भी सकी होई, अन्न के रूप में सकी होई आ, एगो वस्त्र के रूप में से क्यों या वस्त्र अन्न आ, फल फूल और द्रव्य स्थिति में दक्षिणा होला और दान कौन ची कि दान यज्ञ के एगो हिस्सा वो भी यज्ञ के गो अर्थ में है मतलब कि दान अपन आप में गो है मान जाए कि कोई के बहुत आवश्यक बा और हिस्सा व्यक्ति के मान लिया कि लिखा था उका लागे पढ़ाई के आ, खर्चा नहीं बा तब उ बा, देला बालांकि वो जो कुछ नहीं करलक में ओकरा देवत हुआ चीज तोहर लागे बा जो और हमेबा के हिस्सा में से एगो हिस्सा तू एगो अच्छे कार्य के लिए देवत हुआ कोनो एगो कार के कार्य अच्छा कार्य तो दान हो ग और दान याद करिए कि हज़ा से चोरी करत हुआ हगल देवा वो दान नहीं हा। हमनी के शास्त्र में दान ओकरा बजाय जला जोन की तोहर कमाई, कमाई पसीना, से हिमा और ओकर एगो हिस्सा कोई के देथ हुआ यथाशक्ति कि तोहर लागे मान लिया जाए कि बीस हजार तोहर शक्ति के अनुकूल बा तो चीज बा देबा और दान ओसनो नहीं छाना करे कि सब कुछ दे देला अब तोहर परिवार के कुछ नहीं बा ता भी नहीं छह इस स्थिति इस में बोला कि वो दान देबह दान हमेशा यथाशक्ति रही अनुसार हुए हाँ। आचार्य जी वही से बोल जा कि जानी व्यक्ति के समीप में बैठ का संगत में बैठ बहुत बहुत कुछ कमाई कमाई ला जा अर्जित कर ला जा और आज तोहर समीप्य तोहर सानिध्य में आके बहुत बहुत प्रसन्नता होल और जितना चीज़ बांटला एक खातिर हाँ, कर और याद कि भाई धरम जी दान दक्षिणा इतो बहुत विस्तार के चीज है बहुत संक्षेप में हम निक बो विषय रखब जाए विषय एके में छाना रहे के कि जो सन जाने कि है दान दक्षिणा एक अंतर और कौन चीज ओके okay, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा और जुनबा आर्य रवि प्रचारिणी सभा मोरिश के भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक गण आज के कार्यक्रम के समय पूरा हो बात आप लोग के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि नमस्ते सवेतुर्वरे स्याथे महें थेयो यो, यो नफ प्रचोदया